सो हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय न्यू चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है बीकॉम और बीए प्रोग्राम वालों के लिए जिसका सेमेस्टर 6 है, जेनरिक इलेक्टिव वाली बुक की। ठीक है, हाँ जी, तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। हाँ जी, आपके लिए ही ये बुक आराम से देख सकते हो आप। तो चैप्टर नंबर 3 डिटरमिनेशन ऑफ जीडीपी चल रहा था हमारा, जिसमें से हमने 3 वीडियो अपनी पहले से ही बना चुके हैं। कंजम्पशन सेविंग वाला टॉपिक हो चुका है, इकलियम जीडीपी वाला हो चुका है, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हो चुका है, बस अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला रह गया टॉपिक और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ठीक है, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, ठीक है, हाँ जी, हिंदी में नोट्स नहीं है भाई, इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। और टेंशन मतलब मेरी राइटिंग, मेरे को पता है बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरी राइटिंग में नहीं है, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है। ठीक है, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई, हाँ जी, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नाम आता है भाई इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मेरे को पता है यार, राइटिंग खराब है, क्या कर सकते हैं, M-E-N-T, हाँ चलो सॉरी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट करना बस एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिससे हमारा पैसा क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आपने सुना है सेविंग, सेविंग मतलब क्या होता है, पैसे बचाना। तो अगर आप पैसे कहीं पे बचा के रख लेते हो तो क्या वो पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। बस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो हेल्प करता है कि आप ऐसी जगह पैसे लगाओ जहां पे वो पैसे अपने आप क्या हो, बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपकी कैपिटल क्या होती है, बढ़ती रहती है, कैपिटल फॉर्म होती रहती है। सिंपल है। अब समझिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, हमने सीखा था। एक सीखा था हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, और एक हमने सीखा था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। आसान है। और अगर आपने नहीं सीखा तो मैंने ये सिखाया था, कौन सी वाली में, कंजम्पशन और सेविंग वाला जो टॉपिक है ना उसमें सिखाया था, या फिर उससे भी पहले सिखाया था शायद से, इससे पहले वाले चैप्टर में। हाँ, इससे पहले वाले चैप्टर में सिखाया था, इसमें नहीं सिखाया भाई। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर मतलब कि सेकंड चैप्टर में मैं सिखा चुका हूँ, आप जाओ एक बार फिलहाल से दोबारा देख के आओ फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, और एक चीज और, हाँ, ये जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अगर आपको बेसिक्स लेवल कंप्लीट करना है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पूरे तरीके से, खाली 51 वीडियो है, 51 वीडियो, छोटी छोटी वीडियो है, दुगनी स्पीड में चलाते हो, मेरे को पता है, तो आप आराम से वहां से देख सकते हो। तो बेसिक अपना वहां से कंप्लीट करना, ये एडवांस लेवल का है। ठीक है भाई, हाँ जी, दोनों आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं, बेसिक मतलब वो 12वीं का ही है जो 12वीं में आता था पहले। वापस चालू करता हूँ, समझो, इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा था 2 तरह की होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म तक क्या रहती है, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक एसी खरीदा, एसी खरीदा, तो जो एसी खरीदा है एक बच्चे के लिए, मान लो कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने आया और मैंने उसके लिए एसी खरीदा। अब मान लो कोई दूसरा बच्चा आया, क्या उस दूसरे बच्चे के लिए क्या मैं दोबारा एसी खरीदूंगा? कोई तीसरा बच्चा आया तो तीसरे बच्चे के लिए तीसरा एसी खरीदूंगा? नहीं ना, एसी बार बार नहीं खरीदा जाएगा। एसी जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एक ही एसी को बार बार यूज किया जाएगा। जैसे बिल्डिंग बार बार नहीं खरीदी जाती, लॉन्ग टर्म तक फिक्स रहती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, और जो बार बार चेंज करनी पड़ती है उसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आसान, टेंशन मत लो, ये बार बार नहीं समझाने वाला, खत्म टॉपिक। समझिए, इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और दूसरी का नाम क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। ये भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे निकलती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड करके। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। याद है, ये सब हम पहले कर चुके हैं सर। तो भैया समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना ये चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट अब 2 तरह की और होती है। कितने तरह की और होती है? 2 तरह की। एक होती है भाई, क्या बोलते हैं उसे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं स्वायत्त निवेश, और इसे बोलते हैं प्रेरित निवेश। हिंदी में इसलिए बताया क्योंकि समझने में थोड़ा आसान रहेगा। समझिए, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चाहे इनकम 0 हो, चाहे इनकम लाखों करोड़ों रुपए हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहेगी। उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी इसका
इनकम का और इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं होता, यानी इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी फिक्स रहेगी, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए चाहे आपकी इनकम घट जाए। आसान है, इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आसान, सिंपल है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के जीरो लेवल पे भी होती है और इनकम अगर बढ़ गई है तब भी वही रहती है, मतलब फिक्स रहती है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हम प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सोचा था कि मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में और मेरे को मजा सा भी आ गया, मैंने 2000 रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए, उसे बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा लत लग गई कि मैं और ज्यादा पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 5, 10, 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते ही जा रहा हूँ, समझ में। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैं प्रेरित हो गई या फिर मैं अपने मन से बढ़ाते जा रहा हूं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बढ़ती रहती है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आसान है, ये इनकम के साथ साथ बढ़ती रहती है। आसान है, तो यहां पे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये तो अभी भी शो करेगा किसको, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, आई बार को, लेकिन ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है पूरी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट। आसान है, इनकम के साथ साथ जैसे इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही मतलब इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इतना सिंपल। अच्छा, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर हम जो कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसकी बात तो रही साइड में क्योंकि वो तो चेंज होती नहीं, तो हमें सीखना है थोड़ा सा किसके बारे में, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इनकम के साथ कैसा होता है। यानी अगर इनकम बढ़ रही है तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ये कैसे पता चले, ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आसान है, ठीक है, तो उसी को हम सीखेंगे किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। तो बस इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर आपको दो चीजें सीखनी है, पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि वही इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, जैसे अगर आप इनकम कमाना चाहते हो तो इस इनकम को कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, समझे नहीं समझा, समझो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब कि मार्जिनल एफिशिएंसी क्या है किसी कैपिटल की, यानी अगर आप 10 रुपए कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। भैया ये तो समझ में आ गया, ये तो पहले भी टॉपिक हमने सीखा था ना। हाँ, ये भैया आपने सिखाया था मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर में आपने क्या सिखाया था, आपने सिखाया था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि अगर आप 10 रुपए चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, मल्टीप्लायर अगर 2 है, कितना है 2 रुपए, और हम 10 रुपए कमाना चाहते हैं, कितने रुपए कमाना चाहते हैं 10 रुपए कमाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज होना चाहिए, 5 रुपए का चेंज होना चाहिए। यानी कि अगर 5 रुपए में इन्वेस्टमेंट में चेंज करूंगा तभी मेरी इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर 2 होने की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज होगा, सॉरी अगर मैं इन्वेस्टमेंट में 5 रुपए का चेंज करूंगा तभी मेरी इनकम में कितने का चेंज होगा, 10 रुपए का चेंज होगा। थोड़ा सा वैसे ही है मगर बहुत कुछ अलग है इसमें, समझो क्या अलग है, समझो मल्टीप्लायर एक और समझाता हूं, मल्टीप्लायर को मैंने समझाया क्या था, मेरे को लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 1 लाख की जमीन है जिससे मैं 10,000 रुपए का रेंट कमा रहा हूं। आसान, मेरे पास 1 लाख की जमीन है जिससे मैं 10,000 रुपए का रेंट कमा रहा हूं। अगर मल्टीप्लायर मेरा कहता है कि मल्टीप्लायर है 1, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 1, यानी k की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम पे मेरे को कमाने, अगर मान लो अगर मैं 20,000 और फालतू कमाना चाहता हूं, यानी मैं अपना रेंट कितना कमाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा रेंट मेरे को मिले 30,000 रुपए, नया रेंट कितना मिले मेरे को 30,000 रुपए, यानी मैं 20,000 फालतू कमाना चाहता हूं, इनकम 20,000 फालतू कमाना चाहता हूं, तो मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी रखनी पड़ेगी, बस भैया ये बता दो, समझे। तो अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है, ठीक है, तो इनकम में चेंज कितना करना चाहता हूं मैं, 20,000 रुपए का, ठीक है, तो 20,000 का इनकम में चेंज हो गया, यानी कि मेरे को इन्वेस्टमेंट भी कितना चेंज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मेरे को चेंज करना पड़ेगा 20,000 रुपए का। तो अगर मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 1 है तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में 20,000 का चेंज होता है, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,20,000 रुपए की, तब जाके मेरी इनकम, यानी जो मेरी रेंट थी उसमें इनकम में 10,000 से 30,000 होगी, यानी कि मेरी रेंट में 20,000 रुपए का चेंज आएगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 होती है। ऐसा था सिंपल सिंपल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत छोटा है भाई, मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर मैं अपनी इनकम में चेंज करना चाहता हूं तो मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करना पड़ेगा, ये होता है मल्टीप्लायर। आसान, ठीक। थोड़ा सा फर्क है किसके अंदर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में।
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में ज्यादा फर्क नहीं है भैया, बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब वो थोड़ा सा फर्क क्या है वो समझते हैं। जैसे कि वो समझ में आ गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या कहता है समझो, मैंने 100,000 रुपए इन्वेस्ट करे कहां पे, सोचो एक बंदा आया मेरे पास और मेरे पास वो बंदा आके कह रहा है भैया आप मेरे को 100,000 रुपए दो और मैं आपको 10% कमा के दूंगा उस पर, यानी कि मैं आपको कितने रुपए दूंगा, लगभग 10,000 रुपए दूंगा उस पर इनकम कम के, ये मेरी इन्वेस्टमेंट में चेंज है कि मैं 100,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहा हूँ और ये मेरा है इनकम में चेंज कि मैंने 10,000 रुपए इनकम कमाई। तो एक बंदा आया वो कहता है 100,000 रुपए दो तो मैं 10% कमा के दूंगा, यानी 10,000 रुपए आपको कमा के दूंगा इनकम के तौर पर, सिंपल है ना, ठीक। तो इस हिसाब से बात कही जाए तो यही जो है ना, यानी 10/100,000 यानी कि 0.1 ये बन जाएगा मेरा मल्टीप्लायर, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है किसके साथ, MEC के साथ, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ। ये क्या कहती है, आपको आपको ये नहीं देखना कि कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी, आपको मार्जिनल एफिशिएंसी देखनी है, क्या एक्चुअल में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, नहीं जी। क्या आप एक्चुअल में 10,000 रुपए कमा रहे हो, नहीं जी। आपको क्या 10,000 रुपए का ही इनकम मिल रही है, नहीं जी। आपको क्या 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिल पा रहा है, नहीं। यानी कि आप क्या एक्चुअल में 10,000 रुपए कमा रहे हो बस, नहीं जी, आप 10,000 रुपए एक्चुअल में नहीं कमा रहे, समझो। मैंने दिमाग लगाया और मेरे को पता चला अरे 100,000 रुपए है मेरे पास, अगर 100,000 रुपए मैं इसको दूंगा तो मेरे को 10% के हिसाब से 10,000 रुपए कमा के देगा, और वही 100,000 रुपए अगर मैं दे देता हूं बैंक को तो बैंक वाले अप्रोक्सीमेटली लगभग मान के चल रहा हूं मेरे को अगर 5% भी ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो मैं बैंक से ही कितने रुपए कमा सकता हूं, 5,000 रुपए कमा सकता हूं। मेरी इनकम में चेंज कितने का हुआ, 5,000 रुपए का। सुनो, मैंने 100,000 रुपए अगर तेरे को देता हूँ किसी बंदे को, तो वो 10% की उम्मीद करता है मेरे को, यानी कि मेरे को बोलता है 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन वही पैसा अगर मैं बैंक में जमा कर दूं तो मेरे को कितने रुपए मिलने की उम्मीद है, कि 5,000 रुपए मेरे को मिल जाएंगे, सिंपल है ना। यानी कि वो बंदा मेरे को कितने का ही प्रॉफिट दे रहा है बस, क्या 10,000 रुपए की इनकम दे रहा है, नहीं है। 5,000 की तो इनकम मैं बैंक से भी कमा सकता हूँ बिना किसी रिस्क के, तो मेरे को ये कितने की इनकम कर पा रहा है बस, खाली 5% की, यानी कि 5,000 की बस, आसान है। ये जो 5,000 कहलाएंगे ना, इसी 5,000 को बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नमस्ते भाई। तो इसी 5,000 को बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या कहता है, इट इज अ रेट, यानी कि जो मैंने बोला ना एक्स्ट्रा 5%, वही है, इट इज अ रेट ऑफ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का रेट है, यानी कि जो मेरे को वो फायदा पहुंचा रहा है उसका। इट इज अ रेट ऑफ डिस्काउंट व्हिच वुड इक्वेट द प्राइस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट विद द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू एक्सपेक्टेड इनकम, यानी जितनी भी मेरे को लगता है कि मेरे को एक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है उससे ज्यादा अगर मेरे को डिस्काउंट में प्रवेश देता है, यानी कि उससे ज्यादा कोई मेरे को और प्रॉफिट कमा के देता है, तो उसी प्रॉफिट को क्या कहलाते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी कि जो मैंने अपनी कैपिटल दी है उसको वो किस भाव में दी है, किस रेट में दी है, आसान है। एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो वो मल्टीप्लायर को नहीं देखना होता, आपको देखना होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, क्योंकि 10% देखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 5% में एक्चुअल आपको इनकम प्रोवाइड हो रही है, यानी जो 5% है वो तो वही ले जाएगा, कौन ले जाएगा, बैंक वाला ही कमा लेगा, आसान है। या फिर इन्फ्लेशन आपको हटा देगी 5% से, तो वो आपकी एक्चुअल इनकम नहीं होती। तो मेन एक्चुअल इनकम जो होती है वो किससे पता चलती है, आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अच्छा तरीका है जिससे आपको पता चले कि मेरी इनकम अगर मैं इतनी कमाना चाहता हूं तो मेरे को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, आसान है। एक बार देख लूं सारा टॉपिक दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई, ठीक है ना, चलो अभी तक तो दिख रहा है, फिलहाल आगे चलते हैं, समझ में आया। तो अभी तक हमने सीखा भाई क्या क्या चीजें, हमने सीखी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये पहले खत्म हो चुका था, और उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, जो भी पहले खत्म हो चुका था थोड़ा बहुत, ठीक है। और हमने सीखा क्या, फिक्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, दोनों में डायग्राम सीख लिया हमने। और उसके बाद हमने थोड़ा सा टॉपिक सीखा कि MEC क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे दोबारा बता देता हूँ भाई, मेरे को लगता है कि तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है इस वजह से बता रहा हूँ बस, खाली लास्ट बार है, इसके बाद नहीं बता रहा। मैं 100,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, 100,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। लेकिन वहीं पे मेरे को पता चला कि ये जो 10,000 है इनमें से 7,000 तो मेरा इन्फ्लेशन ले जाएगा, यानी महंगाई में चला जाएगा, यानी एक्चुअल मेरे को इनकम जो मिली वो कितने की मिली, 3,000 रुपए की। यही जो 3,000 रुपए है इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो 3% जो मेरी इनकम है वही 3% मेरी इनकम क्या कहलाएगी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इतना समझ में आ गया, हाँ जी।
अब यहाँ पे मार्जिनल, अच्छा इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको दो चीजें सीखनी है, एक तो MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरी चीज आपको सीखनी है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। तो उसकी बात करेंगे बाद में, अभी सीखते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है। इसके अंदर बस वो तो सिखा दिया क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सर जनरल फॉर्मूला। इससे क्या निकलती है, इससे निकलती है प्रेजेंट वैल्यू। एक जनरल फॉर्मूला है जिससे क्या निकलेगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। ओ सॉरी उम्मीद होती है, आप बैक करके देख लेना ठीक है भाई, सॉरी इसके लिए लिखना था आपको। चलो फिर ठीक है आगे चलते हैं। जनरल फॉर्मूला जिससे आपकी क्या निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू। अब समझो क्या है, ये फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू आर अपॉन में वन प्लस में आयोटा की पावर एन, आर एन तक आई है ठीक है। हाँ जी ये फॉर्मूला क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू का है। यदि अगर किसी ने मैथ्स लिखी हो तो उसे अच्छे से समझ में आता होगा, उसने एनयूटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उस एनयूटी वाले चैप्टर में है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिखी तो भाई पढ़ो समझो ध्यान से। ये जनरल फॉर्मूला कहता है कि आपको हम बताएंगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर आप कहीं पे हजार रुपए कमाना चाहते हो, कहीं से हजार रुपए कमाना चाहते हो और इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो आपको अभी कितने लगाने पड़ेंगे। जैसे एक साल बाद आप अगर 1000 रुपए कमाना चाहते हो तो आपको 10% के ब्याज से भी, तो आपको अभी कितने रुपए लगाने पड़ेंगे वो बताएगा। होते ना कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे को फ्यूचर में जब मैं 20-30, अरे हट जाओ भाई, जब मैं 20-30 साल बड़ा हो जाऊंगा आज से 20-30 साल बाद मेरे को चाहिए 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए मैं कमा सकता हूँ 5% के ब्याज से 10% के ब्याज से ठीक है 20 साल बाद, तो मेरे को अभी कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते हैं भाई अभी बता दो मैं अभी कितने रुपए लगाऊं ताकि मेरे को 10 साल बाद ठीक है मेरे को कितने मिल जाए 1 करोड़ रुपए मिल जाए, और वो भी इंटरेस्ट रेट कितना कि मैं कितना कमा सकता हूँ, 5% तो मैं हर महीने बैंक वाले से कमा ही लूंगा कम से कम, और FD में डाल दूंगा तो 7%, ऐसा ना। हाँ जी, तो मैं कम से कम 7% कमा सकता हूँ तो अभी बता दो अभी कितना पैसा लगेगा। तो वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का काम करता है ये फॉर्मूला। सॉरी नॉइस के लिए माफी चाहूंगा, और कुछ नहीं कहते भाई ठीक है ना। ओ फिलहाल समझते हैं। अच्छा ये जो टेबल है ना भाई, जो नहीं बोलूंगा मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखी है क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन मेरे से होगी नहीं ठीक है, तो मैंने ऐसे डाउनलोड करके लिख दी है, आप चाहो तो चेक कर लेना आराम से कैलकुलेशन के थ्रू। बस एक बार करके दिखा देता हूँ मैंने किया कैसे है ठीक है। फॉर्मूला कहता है सी इज इक्वल टू आर एन अपॉन में वन प्लस में आयोटा की पावर एन। मतलब समझो सी मतलब होता है आप कितना पैसा, सॉरी ये प्रेजेंट वैल्यू को शो करता है, किसको प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपको अभी कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ठीक है। आर एन दिखाता है एक्सपेक्टेड, यानी कि आप कितना कमाना चाहते हो। आयोटा दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप कितने इंटरेस्ट से अपने पैसे को ग्रो करोगे या फिर घटाओगे या फिर बढ़ाओगे, कुछ भी करोगे ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझो अगर नहीं रहे, चलो ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कहीं से मैं कहूँ कि फ्यूचर में 1 साल बाद 99 रुपये हो जाए मेरे पास, मैं चाहता हूँ मेरे पास फ्यूचर में मतलब 1 साल बाद मेरे पास, अभी मैं कितना रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करूँ कि मेरे को फ्यूचर में 1 साल बाद 99 रुपये मिले ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं अभी कितने रुपये इन्वेस्ट करूँ कि 1 साल बाद मेरे को कितने रुपये मिले 99 रुपये, ऐसा ना ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है जिस रेट से मैं कमाऊंगा वो है 10%, कि मैं 10% के हिसाब से मैं पैसे कमाऊंगा। चलो फिर देखते हैं एक बार अभी कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला लगाया 90, ये क्या था एक्सपेक्टेड आप कितना अमाउंट चाहते हो, तो ये ना 99 रुपये में चाहता हूँ प्लस में ये आयोटा, आयोटा की वैल्यू कितनी है 10%। अच्छा 10% में तो होता है ये होता है परसेंटेज जब भी हटता है तो बटे में 100 आता है, यानी इसको काट के लिख दिया तो 0.10 हो गया ये, यानी मतलब 0.1, तो आयोटा ये हो गया 0.1, और इसकी पावर कितनी है एन, एन कितना था 1 साल, नंबर ऑफ ईयर, एन मतलब क्या है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आप चाहते हो, तो 1 साल बाद चाहते हो आप, तो यहाँ पे वन आ गया नंबर ऑफ वन ठीक है। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लो, तो 99 अपॉन में ये जुड़ गया तो ये हो गया 1.1, तो बस अब इसको डिवाइड करना है। अब 1.1 से डिवाइड कैसे करें, यही बसर होती है बस। तो 1.1 से डिवाइड ही कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हट गया 0 हो गया 990, और 990 से काटा तो ये हो गया 11 से 9
अरे मतलब 990 बटे में 11 और इससे कट गया तो हो गया 90, यानी कि अभी आपको अगर 90 रुपये इन्वेस्ट करें, अगर आप अभी 90 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो एक साल बाद 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितने मिलेंगे, 99 रुपये। वही है ना, 90 रुपये इन्वेस्ट करें तो 10% कितना हो गया 90 का, 9 रुपये, 9 रुपये जोड़ के कितने हो गए, 99 रुपये मिले। तो बस प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बस यही है कि आप इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। जैसे 10% के हिसाब से मैंने निकाल के दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ना, आप निकाल के देख लेना क्या ये। अच्छा, मैंने ये माना है इसमें कि 1000 रुपये मैं चाहता हूं कि मेरे को फ्यूचर में 1000 रुपये मिले, ठीक है। तो बस मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया क्या, 1000 बटे में 1 प्लस में रेट क्या है 10%, यानी कि 0.1 की पावर 1, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी, यानी 909.09 कि एक साल अभी आपको इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब जाके आपको एक साल बाद 1000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप 2 साल बाद चाहते हो तो आपको अभी 826 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि 2 साल बाद आपको कितने कमा पाओ, 1000 रुपये कमा पाओ। अगर आप 3 साल बाद चाहते हो तो अभी 751 रुपये इन्वेस्ट करो तो 3 साल बाद 10% के ब्याज के हिसाब से 3 साल बाद आपको कितने रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। आसान है। तो इस तरीके से मैंने 10% और 5% के हिसाब से वैल्यू लिख के दे दिया, आप चाहो तो निकाल सकते हो, टोटल निकाल लो। आसान है, हाँ जी। और यहां से निकलती है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपको अगर चाहते हो कि एक, अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मैं हर एक साल बाद इन्वेस्ट करूंगा, कि मैं एक साल जैसे अभी आज इतने इन्वेस्ट करूं फिर एक साल बाद इतने, एक साल बाद इतने, एक साल बाद इतने, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगा कि आप जैसे अगर आप 5000 रुपये कमाना चाहते हो तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अभी कितनी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये होती है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, बस टोटल करना है सबका। आसान है फिलहाल। तो बस बेसिकली ये बात समझाना चाह रहा था कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आया 2-3 नंबर का या फिर मतलब सॉरी 3 या 4 नंबर का, तो आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई फ्यूचर में आपके इतने रुपये बन जाएंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो बता दो, तो इससे निकल जाएगा। बात आती है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। अब ये एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक बार चेक कर लो भाई वीडियो फिर दोबारा, चलो चल रही है। हाँ जी, तो बात आती है भैया एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या कहता है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कहता है, समझो, जैसे आपने सुना था मल्टीप्लायर के बारे में, मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज होता है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में चेंज करता हूं और मेरी इनकम चेंज हो रही है 3 लाख से, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सिंपल है। ये था कीन्स सर का फॉर्मूला। कौन से सर का फॉर्मूला, कीन्स, हाँ जी कीन्स सर, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेटर एक मेथड है जिसको बोलते हैं वी। एक्सेलेरेटर क्या है, एक मेथड है जिसको बोलते हैं वी, जो कैलकुलेट करता है कि आप कितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट को मतलब इनकम में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए और मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, यानी मैं जितना पैसा लगाता हूँ उसका डबल कमा लेता हूँ, मेरा एक्सेलेरेटर बनता है 2। समझे, दोबारा समझो, मैंने 2 लाख रुपए लगाए और मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए, यानी मैंने 2 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए कमा लिए, यानी मैंने अपने पैसे को अपनी कैपिटल को 3 गुना कर दिया, है ना, यानी मेरा एक्सेलेरेटर बनता है 3। यानी कि मैं अपनी जो कैपिटल है उससे कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना पैसा जनरेट कर सकता हूँ, कितनी मैं अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ अपनी कैपिटल के थ्रू, यानी अगर मैं कितना पैसा लगाऊं और मेरी इनकम कितनी बन जाए, उसी को बोलते हैं एक्सेलेरेटर। तो एक्सेलेरेटर बताता है आपको अपनी क्या बोलते हैं इनकम में चेंज करना, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आपको अपनी जबान फिसल रही है, आपको अपनी कैपिटल में कितना चेंज करना पड़ेगा अपनी इनकम में चेंज करवाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब समझे ध्यान से क्या समझाना चाहता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा सिंपल तरीके से, आपसे बोलेगा जो एक्सेलेरेटर है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 है। एक्सेलेरेटर की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा, ये क्या चीज है वो समझ लो ध्यान से। जो एक्सेलेरेटर होता है वो निकलता है के अपॉन में वाई। जो के है वो डिनोट करता है कैपिटल को और जो वाई है वो डिनोट करता है आउटपुट को, या फिर आप इनकम भी बोल सकते हो जिसके। आसान है, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आप कितने, सॉरी अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो ये हो गया 2। यानी आपका एक्सेलेरेटर का फॉर्मूला बन गया 2। तो 1 लाख रुपए जो है वो आपने लगाए हैं, यानी ये आपकी कैपिटल है। 50,000 रुपए जो आपने कमाए हैं ये आपकी क्या है, इनकम। और ये जो 2 आया ये होता है एक्सेलेरेटर का फॉर्मूला। आसान है, या फिर एक्सेलेरेटर की वैल्यू। और ये मानी जाती है एक्सेलेरेटर की वैल्यू डेरिवेटिव करने के बाद भी क्या रहेगी, वो हमेशा सेम रहेगी। तो मैंने बस डेरिवेटिव किया, जैसे के का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो तो ये बन जाएगा डेल्टा के बटे में डेल्टा वाई। डेरिवेटिव क्या होता है अगर आप लोगों को पता ना हो, यार यही तो दिक्कत होती है। अगर आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मैथ्स नहीं ली, क्या समझाएं, समझो के बटे में वाई बराबर में वी है,
अब डेरिवेटिव कैसा होता है भाई के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव सिंपल जिसको ना पता हो भाई ये समझो, डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट होता है के को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसके आगे डेल्टा लगा दो और नीचे लिख दो डेल्टा एक्स, समझे। रट्टा मारना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता, मेरे को पता नहीं भाई तुमने मैथ पढ़ी या नहीं पढ़ी, समझो ध्यान से। अगर आप डेरिवेटिव करना चाहते हो के को वाई के रिस्पेक्ट में तो इसके आगे डेल्टा लगा दो और नीचे लिख दो डेल्टा वाई। के को अगर डेरिवेटिव करना चाहते हो आई के रिस्पेक्ट में तो आगे डेल्टा लगा दो और नीचे लिख दो डेल्टा आई। सिंपल है, ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो मैं डेरिवेटिव करता हूँ दोनों को वाई के रिस्पेक्ट में, तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो बनता है ये डेल्टा के बटे में डेल्टा वाई। सिंपल, अच्छा नीचे वाले को भी अगर वाई के रिस्पेक्ट में करा था वो बन गया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, सॉरी भाई, तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया तो अब बच गया क्या वैल्यू डेल्टा के बटे में डेल्टा वाई, तो ये बन गई आपकी एक्सेलेरेटर की वैल्यू। तो एक्सेलेरेटर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे आप मेन वैल्यू लो यानी कि पुरानी वैल्यू या फिर नई वैल्यू या फिर आप चेंज वाली वैल्यू लेते हो तो उससे एक्सेलेरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, आगे अजम्पशन में भी वही पढ़ेंगे, समझो ध्यान से। कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहेगा भाई, कैपिटल आउटपुट का जो रेशियो है जिसे हम एक्सेलेरेटर बोलते हैं वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, ये इसकी अजम्पशंस भी है, ठीक है। आगे चलते हैं वापस, तो क्वेश्चन में आपको दो चीजें देगा, पहली चीज एक्सेलेरेटर और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन की वैल्यू, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी ना तो उसकी वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब समझो पहले साल क्या हुआ, पहले साल मैं चाहता हूं मेरी इनकम हो जाए 500, मेरी इनकम कितनी हो 500 और इन्वेस्टमेंट मतलब जो एक्सेलेरेटर है उसकी वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 500 रुपए कमाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 3 गुना पैसा लगाना पड़ेगा। अभी तो बताया भाई एक्सेलेरेटर मतलब वी का फॉर्मूला होता है के बटे में वाई, और मैंने बोला v की वैल्यू 3 है और k मतलब क्या होता है, हाँ जी कितनी कैपिटल चाहिए मेरे को और मेरे को इनकम कितनी चाहिए 500, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 500, तो बस 500 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1500, यानी मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1500 रुपए। तो अगर v 3 है तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1500, तो अगर 1500 रुपए मेरी कैपिटल में लगाऊंगा तब जाके मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे 500 रुपए। सेम इसी तरीके से अगर मैं 1530 रुपए लगाऊंगा तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे 510 रुपए, मतलब वो 3 से डिवाइड करने पे, ठीक है ना भाई। अच्छा यार तुम थर्ड ईयर में हो, इतना तो होप करता हूँ इतना आ गया होगा तुम्हें समझ में, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कितना आ रहा है उस हिसाब से कैसे समझाऊं, लाइव क्लास में यही तो दिक्कत होती है, मतलब अगर तुम यहाँ बैठे होते तो पता चल जाता कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा, अब कैसे बताएं तुम्हें। अगर कोई डाउट आता तो नीचे कमेंट कर देना प्लीज, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ समझ में ना आया तो बोल देना, मैं दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मतलब कि कुछ इनसे प्रॉब्लम समझ में ना आया, पूरी वीडियो तो मुश्किल होगी बनानी दोबारा। चलो करते हैं फिलहाल, तो सब जो आप ध्यान से, अगर मैं 500 रुपये कमाना चाहता हूं तो मेरे को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, उसका 3 गुना यानी कि 1500 कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, अब मैं चाहता हूं एक साल तो मैंने इतना कमा लिया, अगली साल मैं चाहता हूं मेरी इनकम 10 रुपये से बढ़ जाए, यानी मैं अपनी इनकम को कितने रुपये बढ़ाना चाहता हूं 10 रुपये बढ़ाना चाहता हूं, और अगर 10 रुपये मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूं, यहीं पे दिक्कत आती है, अगर मैं 10 रुपये अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को अपनी कैपिटल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, समझो बताया था ना एक्सेलेरेटर 3 है, हाँ, तो अगर मैं 10 रुपये इनकम बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरी अपनी कैपिटल भी 3 गुना यानी कि 30 रुपये बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे देखो मेरी कैपिटल जो 1500 रुपये थी अब कितनी हो गई 1530 रुपये, यानी 30 रुपये बढ़ गई, समझे। चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे ले लो, 3 ही मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मतलब 3 गुना ही होगा वो, ठीक है। तो मेरे को अपनी कैपिटल कितनी से बढ़ानी पड़ेगी 30 रुपये से बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसे ही देख लो दोबारा से, अगर मैं चाहता हूँ मेरी इनकम अब और बढ़ जाए, यानी कि मेरी इनकम बढ़ जाए 15 रुपये से, कितने रुपये से 15 रुपए से, अगर मैं चाहता हूँ मेरी इनकम कितने से बढ़े 15 रुपए से, तो उसके हिसाब से एक्सेलेरेटर के हिसाब से 3 गुना यानी 15 थी 45, तो अब मेरी को अपनी कैपिटल 45 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी 45 रुपए से, समझ में। हाँ जी, सेम इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मेरी इनकम जो है 525 से 550 हो जाए, यानी 25 रुपए बढ़ जाए, तो मेरे को अपनी वो भी कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा 75 रुपए से, 75 रुपए से, समझ में। हाँ जी, सेम इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ अपनी कैपिटल को बढ़ाना कितने रुपए से 25 रुपए से, तो मेरे को अपनी इसको बढ़ाना पड़ेगा कितने रुपए से 75 रुपए से, आसान है। यानी जैसे जैसे मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ सेम उसी एक्सेलेरेटर की वैल्यू 3 होने की वजह से, इसी 3 की वजह से हमें अपनी कैपिटल क्या नहीं पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल ना। बस है कि यहाँ पे ये गया, अगर मैं अपनी कैपिटल इनकम को नहीं बढ़ाना चाहता, मेरी इनकम में चेंज कितना है 0, तो मेरे को अपनी कैपिटल को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या रहेगी 0। हाँ, अगर मैं अपनी इनकम को कम करना चाहता हूँ, जैसे कितनी कम हो गई, ये हो गई 15 रुपए से कम हो गई, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी मेरे को क्या होनी है कम करनी पड़ेगी, आसान है। यानी कम करूंगा इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कम कर दी, वही बताने चाह रहा था भाई इस टॉपिक से, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी इनकम भी क्या हो जाती है कम हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो मैंने कितने से कम करी है,
मैंने कम करी है 45 रुपए से, यानी -45, मैंने 45 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो इसका 3 गुना मतलब 3 से डिवाइड करोगे मतलब 3/3 मतलब 45/3 ठीक है, यानी कि 15, तो 15 रुपए से मेरी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आसान मतलब एक्सेलरेटर की वैल्यू वही रहती है हमेशा सेम, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक भाई, तो इनकम जैसे जैसे मैं बढ़ाना चाहूंगा मेरी कैपिटल भी उतनी मेरे को ज्यादा चाहिए, यानी मेरे को इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर मैं इनकम को उठाना चाहता हूं तो मेरे को कैपिटल की भी जरूरत नहीं होती, तो इन्वेस्टमेंट कम करने पे हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मेन जो है हमें बात करनी है किसकी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, यानी कि मैं एक्चुअल में कितना पैसा कमा पा रहा हूं, क्या मैं एक्चुअल में ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं 10 रुपए कमा रहा हूं या फिर 15 रुपए कमा रहा हूं, क्या मेरी नेट इन्वेस्टमेंट या फिर इतनी बन रही है या फिर मैं एक्चुअल में इतना पैसा कमा रहा हूं। तो समझो मैंने यहां पे बोला कि अच्छा हाँ, इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है 20%। अब डेप्रिसिएशन 20% है मतलब जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें हर साल 20% डेप लगेगा, तो मैंने डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहा, मैंने कहा 20% डेप्रिसिएशन। अच्छा 20% मतलब क्या होता है समझो, 20% मतलब होता है परसेंटेज जटा बटे में आ गया 100, 20 से काटेंगे तो ये हो गया 1/5, यानी कि 1/5 क्या लग रहा है हमारा डेप्रिसिएशन। तो मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ इन्वेस्टमेंट पे, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले 1500 थी, अब 1500 का 1/5 कितना हो गया, दोबारा देख लो भाई 1500, पैर में नहीं चल रहा, एकदम पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, 1500 × 1/5 और ये किससे कट गया 300, यानी 300 मेरी क्या बन गई डेप्रिसिएशन। आसान है, सेम इसी तरीके से इस बार इन्वेस्टमेंट कितने की थी, मेरी कैपिटल थी 1530 रुपए की, और अब 20% डेप्रिसिएशन के हिसाब से तो 1530 × 1/5 कर दिया तो ये कितना आ गया 5×6 = 30, वही 306, तो मेरी अगली बार डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 306, मतलब जो भी वैल्यू कैपिटल में है उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है, तब आपकी क्या 20% निकाल लो तो आपका क्या आ गया डेप्रिसिएशन आ गया। इतना सिंपल है, बढ़िया, यानी हमने अभी तक सीखा जो इनकम है, अगर आप इतनी इनकम कमाना चाहते हो तो इससे आपकी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, और जो आप कैपिटल लगाओगे उसमें हर साल इतने इतने रुपए का डेप्रिसिएशन होता रहेगा, सिंपल। अच्छा तुम्हारा आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, बस ये लास्ट सीखना आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, आपको रिलेशन समझ आ जाएगा सब चीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी वो और जो डेप्रिसिएशन लगा वो, दोनों को जोड़ के, सुनिए याद है ना मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले ही, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन, यानी जो अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो और उसमें क्या जोड़ना है आपको डेप्रिसिएशन। तो समझो मेरी इन्वेस्टमेंट पुरानी थी 1500, मैंने हाल ही में ताजी ताजी गरम गरम इन्वेस्टमेंट करी है कितने रुपए से 30 रुपए से, तभी सो 1530 हुई ना इस साल, तो 30 रुपए से मेरी ताजी इन्वेस्टमेंट और मेरा डेप्रिसिएशन दोनों जुड़ के ये आ गए 330 रुपए मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आसान है, सेम इसी तरीके से मैंने ताजी ताजी गरम गरम कितनी इन्वेस्टमेंट करी है 45 की 45 की देख रहे हो, हाँ जी, और 306 का मेरा डेप्रिसिएशन, दोनों जुड़ के मेरे क्या बन गए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो बस आपको इन दोनों जोड़ देना है आपकी आ गई ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इतना सिंपल। ठीक, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो वही भाई इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देना, यानी ये जो वैल्यू है वही बन जाएगी आपकी क्या नेट इन्वेस्टमेंट, इतना सिंपल है ना भाई। हाँ जी, ये शो करता है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल मतलब जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बिहाफ, मतलब जितना आप इनकम कमाना चाहते हो उस बिहाफ पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करनी पड़ेगी। आसान है, अगर आप इनकम कम मतलब इनकम ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया तो आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता तो इनकम में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल है। ठीक भाई, अच्छा कुछ अजम्पशन होती है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल की, वो आपको जाननी पड़ेगी। पहली चीज, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या कह रहा है, मैंने अभी बताया था ऊपर होता है कैपिटल नीचे होता है आउटपुट, कौन से फॉर्मूले में, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, और मैंने बोला ही है एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, वही ये बात कह रहा है एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा चाहे कोई सा भी फेज हो। दूसरी चीज, डिमांड ऑफ कॉन्टिन्यूस गुड्स, हाँ जी, डिमांड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस गुड्स विल बी राइजिंग, यानी कि जो भी गुड्स की डिमांड है ना वो लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम इनकम कब कमा पाएंगे जब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे, और जब डिमांड करेंगे तभी तो इनकम कमाएंगे और तभी हम इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, तो अगर गुड्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है तभी हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती रहेगी एक्सेलरेट होती रहेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। अगला, क्रेडिट इजिली अवेलेबल, ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक्चुअल प्रॉफिट में से नहीं होती, वो हमें लोन लेके करनी पड़ती है, तो क्रेडिट अगर इजिली अवेलेबल होगा तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी एक्सेलरेट हो पाएगी हमारी प्रिंसिपल, तभी इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ पाएगी, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है। आसान, बढ़िया भाई, ये था आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला पूरा टॉपिक, और यहां पे खत्म होता है
बड़े बड़े टॉपिक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के थोड़े छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। हाँ जी, तो टाइम हैगा थोड़ा सा, बता देता हूँ वो छोटे छोटे टॉपिक इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बड़ा टॉपिक था और यही एग्जाम में अगर आना हुआ तो आ सकता है। मेन आपसे एक दो ये पूछेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्म लगा को और प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 5 साल की पूछेगा तो यहाँ पे पावर में 5 लगा देना, ठीक है ना भाई, पावर में 5 लगा देना। अगर वो बोलता है 10 आ गई तो पावर में 10 लगा देना, बाकी सब चीजें आपको दे रखी होंगी। और एक्सेलरेशन बोलता है, मतलब एक्सेलरेशन प्रिंसिपल बोलता है, तो आपको टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो पहले आप MEC बताओगे MEC क्या होता है, और उसके बाद उसका फॉर्मेट बता के फिर उसके बाद आपको टेबल बनानी पड़ेगी और इसके ये सब बताने पड़ेंगे कि इनके फॉर्मेट क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अजम्पशन लिख देना, आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। ये कब, जब आपसे पूछे एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, तब एक्सेलरेशन प्रिंसिपल पे आपको ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी और सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और अगर वो पूछता है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में ये फॉर्मूला बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा चुका है, चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए जो कि नाकार है, ना के बराबर है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा हाँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ भाई, अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और जिसने पहले से कर रखा है, सच बता रहा हूँ भाई साहब, अगर आपने पहले से लाइक से सब्सक्राइब कर रखा है, सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, क्रुद्धों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और जिसने नहीं किया कोई नहीं, आराम तो कर दिया बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आराम से करती हो, ठीक है।